अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका भाई समूला ख़ान। और ये मस्जिद उमरा है और मस्जिद आयशा भी बोला जाता है। और सुबह का टाइम है और ये शिरक बिलादन के लोग हैं और ड्यूटी के लिए जा रहा है हारून शरीफ में। अभी हम लोग हरम शरीफ पहुंच चुके हैं और आप ये देख सकते हो सुबह सुबह का टाइम है और ये शिरके वाले काम के लिए जा रहे हैं। इनकी ड्यूटी भी हरम शरीफ के अंदर है। और ये इंतज़ारगाह है, यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। जब लोग इकट्ठे हो के फिर अंदर लेके जाते हैं सब हाजियों को। ये सेठ अबू जेल हमाम के नाम पर बहुत मशहूर है। अबू जेल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अबू जेल का घर था। अबू जहल कौन था? अबू जहल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था बड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी पहला नज़र काबा शरीफ पर पड़ जाए तो ज़रूर दुआएं मांगे। जो दिल में है वही दुआ मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल करेगा। ये जो आपको पांव के निशान के नज़र आते हैं, ये इसलिए बनाया हुआ है कि एक हाजी दूसरी हाजी से इतना फासला रखे। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये नमाज के लिए सिर्फ ये जो टेप लगाया हुआ है ना, ये नमाज के लिए है। सऊदीया में रहने वालों के लिए एता मरना एप्लीकेशन लाजमी है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप उम्रा नहीं कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू आप अप्रूव ले सकते हो उम्रा या तवाफ के लिए। अभी सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे और ये सफ़ा मरवा की तरफ रास्ता जाता है और ये फ्लोर नंबर एक है। तवाफ कर लिए, अभी सफ़ा मरवा बाकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।